अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेघालय में जो चल रहा है रिलेटेड टू एमपीएससी क्या है, एग्जैक्टली क्या है रोस्टर सिस्टम और क्यों ऐसा हाई कोर्ट को ऑर्डर जारी करना पड़ा। देखिए, जो मेघालय में रिजर्वेशन पॉलिसी है और जो एमपीएससी एक है रिक्रूटमेंट बॉडी है, कमीशन है, तो ये क्या करते हैं कि ये पहले जो है मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनका ये था कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकालो, कि टोटल मान लीजिए कि 30 वैकेंसी है और उसी में से वो लोग सिलेक्ट करते थे। इसमें कोई ये डिवाइडेड नहीं था कि एसटी के लिए इतना है, एससी के लिए इतना है, ईडब्ल्यूएस के लिए इतना है और अदर्स कम्युनिटी के ओबीसी के लिए इतना है, ये डिवाइडेड नहीं था। तो अब बहुत ही इसके चलते बहुत सारे प्रॉब्लम, नेपोटिज्म ये सब हो रहा था स्टेट में। तो हमारे ये एक सिस्टर बहुत ही इंटेलिजेंट है, उनके साथ उनका टीम है, तो जनेरा और मरा, उन्होंने पीआईएल फाइल कर दिया कि ये स्टेट 50 साल से एग्जिस्ट कर रहा है एंड व्हाई दिस रोस्टर सिस्टम इज नॉट फॉलोइंग इन आवर मेघालय। सो दैट इज अ वैलिड क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू। तो पीआईएल फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, और जो जज साहब है उन्होंने पढ़ा कि भाई ये तो गलत हो रहा है कि ये 50 साल से ये स्टेट चल रहा है और रोस्टर नहीं है, तो हाउ दे आर इम्प्लीमेंटिंग दिस रिजर्वेशन पॉलिसी। तो इस ऑर्डर में काफ़ी सारे चीज़ें टफ वर्ड यूज़ किया है अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट और जो टॉप ऑफिशियल्स है, ब्यूरोक्रेट्स है, कि भाई आप लोग कैसे क्या कर रहे हैं कि आप पूरा 50 साल तक कोई रोस्टर नहीं बना रहे और ऐसे इम्प्लीमेंट कर रहे। तो बहुत लैंग्वेज यूज़ किया है, बहुत ही टफ लैंग्वेज यूज़ किया है कि और तुरंत ऑर्डर किया है कि उन लोगों को कि आप जितना भी प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, आप इसको रोक दो एंड सबमिट रोस्टर फॉर्म, आप रोस्टर फॉर्म को जमा करिए और इम्प्लीमेंट करिए। तब क्या होगा कि मान लीजिए 30 सीट है, 30 सीट एमपीएससी को वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा और उसमें डिवाइड होगा कि मान लीजिए 24 एसटी कैटेगरी एस्पिरेंट्स, देन मे बी 5 फॉर एससी शेड्यूल कास्ट और मे बी दिस 2 फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस और मे बी 3 फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। सो इस तरीके से डिवाइड करके अब एडवर्टाइजमेंट होगा और उसके अकॉर्डिंगली वो वैकेंसी जो है फिल्ड किया जाएगा। सो दैट इज अ गुड डिसीजन, ये सभी कम्युनिटी के लिए अच्छा है, चाहे वो गारो, खासी, हिंदू, मुस्लिम, दिस ओबीसी देन ईडब्ल्यूएस, सभी के लिए अच्छा है, जो जो हमारे इंडिजिनस ट्राइबल, नॉन ट्राइबल भाई।